वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में मैं निर्मला आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चिप्स बनाने जा रही हूँ। चिप्स बनाने में जितना ही आसान होता है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। इसे आप मॉर्निंग इवनिंग चाय के साथ या गेस्ट आने पे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। ये चिप्स को बना करके आप पॉलीथीन या डब्बे में भर करके आप 2-3 साल तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। आप व्रत उपवास में भी खा सकते हैं। बस व्रत में खाना है अगर तो आप इसे बिना नमक के बनाएं या फिर सेंधा नमक डालकर बनाएं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये चिप्स बनाया जा रहा है। आज हम आलू के चिप्स बनाने जा रहे हैं। तो आलू के चिप्स बनाने के लिए हमने 2 किलो आलू लेके धो के छील के साफ कर लिए हैं, और ये ऐसे ही एक पीलर की सहायता से हमें ये सारे आलूओं को छील लिया है। मैं आपको दिखाने के लिए ये 2 आलू बचा ली हूँ। तो इसी तरह सारे आलूओं को छील के सब तैयार कर लेते हैं। और एक भगुने में हमने पानी ले लिया है। मैं थोड़ा पानी ज़्यादा मात्रा में ही लेना है, और इस पानी में हमें एक एलम लेना है, यानी कि फिटकरी, इंग्लिश में इसको एलम कहते हैं। इसे हम थोड़ा कूट लेंगे। इसको हम इस पानी में मिला देंगे। ये हमारे रेसिपी का एक खास ट्रिक है, जिससे कि हमारे चिप्स मार्केट के जैसे बिल्कुल सफ़ेद होंगे। थोड़ा सा और मिला देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। थोड़ा चिप्स हमने पहले ही काट लिया था, और ये हमारे पास डिजाइनर स्लाइसर है, तो हम इससे काट रहे हैं डिजाइन वाले से। चिप्स बच्चे बूढ़े जवान सभी को बहुत ही पसंद आते हैं, और बरसात के दिनों में तो चिप्स और खाने में और भी मज़ा आता है। चाय के साथ चिप्स खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अब हमने थोड़ा ये सिंपल के साथ स्लाइसर के साथ भी आपको काट के दिखाती हूँ। तो चिप्स को गर्मियों के दिनों में ही बनाया जाता है, क्योंकि गर्मियों में धूप अच्छी पड़ती है और हमारे चिप्स एक दिन या तो अगर धूप कम है तो 2 दिन में सूख के तैयार हो जाते हैं। और चिप्स बनाने की तैयारी हमें रात में ही कर लेनी चाहिए। हम इस समय रात में ही इसकी तैयारी कर रहे हैं चिप्स की, और सुबह हम इस चिप्स को थोड़ा सा बॉईल करेंगे और फिर इससे चिप्स बनाएंगे। तो इसी तरह हम अपने सारे चिप्स को तैयार कर लेंगे। हमने चिप्स को ओवरनाइट पानी में रहने दिया है, और अब हम इसको इसी पानी में धुल लेंगे, और धुल के हम दूसरे पानी में एक बार फिर से धोएंगे। हम इस चिप्स को अच्छी तरह से इसी पानी में धो करके दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं कि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। और अब हम पतीले में नया पानी भर लेते हैं साफ। तो हम एक बार फिर से भगोने में थोड़ा सा साफ पानी लेंगे, और एक बार हम चिप्स को वापस धो लेंगे ताकि चिप्स के बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाए। तो एक बार और धो के चिप्स को निकाल लेते हैं। हमने गैस पर पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी में उबाल आने वाला है, अब पानी गर्म हो रहा है। और इस वक्त हम यहाँ पे ये नमक, सेंधा नमक हम डाल रहे हैं। आप चाहें तो सिंपल नमक जो डेली यूज़ के खाने में डाला जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम सेंधा नमक डाल रहे हैं ताकि इसे व्रत में भी खाया जा सके। और अब हम चिप्स को धीरे धीरे करके डाल देंगे। हमें
बर्तन में इतना पानी रखना चाहिए कि जिससे चिप्स आसानी से हिलडुल सके। और इसे अब हम एक बॉईल आने तक पकाएंगे, न ज़्यादा पकाएंगे न कम पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो ये गल जाएगा अधिक, हमारे चिप्स अच्छे नहीं बनेंगे, फैलाते समय सब चिपक जाएंगे एक दूसरे। और अगर कच्चे बनेंगे तो हम उसे फिर जब फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें उबाल आ चुका है और अब हम इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, गैस बंद कर देते हैं और हम इसे अब गरम चिप्स को पानी में नहीं छोड़ेंगे, वरना ये पानी गरम है चिप्स हमारे गल जाएंगे। तो हम चिप्स को बाहर निकाल लेते हैं। चिप्स को निकाल के हम एक ऐसी छलनी में रख देंगे जिससे कि चिप्स का एक्सेस वाटर ड्रेन हो जाए। चिप्स निकल चुके हैं पूरे छलनी में और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसके पानी भी जो एक्स्ट्रा है वो ड्रेन हो जाएंगे। तब तक हम सेम पतीले में उसी पानी में हम थोड़ा सा नमक और मिलाएंगे ज़रूरत हो तो, और सेकेंड बैच का चिप्स भी इसी में हम डाल के फिर से पका लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ, एक टिप्स भी बता देती हूँ कि आप आलू धोते हैं दो बार तीन बार तो उसमें जो पानी निकलता है, ये इतने सारे पानी निकले हैं, इन्हें हम पेड़ पौधों में अगर डालेंगे तो हमारे पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे। हमने धूप में चारपाई बिछा ली है, उस पर एक प्लास्टिक भी बिछा ली है और अब हम इस पर ये चिप्स फैलाएंगे। चिप्स को फैलाने के लिए बिल्कुल अलग अलग हमें फैलाना है, चिपका के अगर फैलाएंगे तो सूखने के बाद चिप्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो हमें सारे चिप्स बिल्कुल अलग अलग फैला देने हैं। तो दोस्तों हमारा चिप्स बिल्कुल सूख करके एकदम तैयार हो चुका है। इसे हम कढ़ाई में तेल हमने पहले से ही गर्म करके रख लिए हैं जिससे हम अब चिप्स को आपको फ्राई करके दिखाएंगे। देख रहे हैं हमारे चिप्स बिल्कुल मार्केट के जैसे सफ़ेद बन करके तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही हम थोड़ा सा और भी चिप्स तैयार कर लेंगे। हमारे घर पे चिप्स बहुत ही सस्ते में कम रेट में बन जाते हैं और बिल्कुल प्योर भी होते हैं, और इसे हम हमारा चिप्स देखिए बन चुका है, इसका एक्सेस ऑयल हम निकाल लेते हैं और अब हम इसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख देते हैं ताकि इसका एक्सेस ऑयल इसमें सोख ले। तो हमारा चिप्स बिल्कुल देखिए फ्राई भी हो चुका है और इस पर हम इसमें सेंधा नमक पहले ही डाले थे, तो अब आप इस पर चाहें तो थोड़ा सा ये चाट मसाला जो हमने घर पर होम मेड बनाया है आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं, ये चाट मसाला इस पर डाल के इसे आप खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई हो, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।